यहाँ पे पूरा सीएसटी स्टेशन। वाओ सीएसटी आ गए हम लोग कार से। काफी दिन के बाद गेटवे के दर्शन हुए। लाइन लगा अंदर जाने के लिए भी। I'm sure कोई नॉनवेज ही रहेगा पर मेरे को सब मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ। तो समझता हूँ ये सबसे फालतू जोक था। यंजिटी क्रेजी है। हेलो गाइस, तो जैसे मैंने बोला था आफ्टर जिम विशाखा मुझे मिलेगी तो शी इज हियर नाउ। तो हम लोग ने प्लान किया अभी कि हम लोग जाने वाले हैं मुंबई दर्शन के लिए, राइट? क्योंकि हम लोग पहले वहाँ पे ट्रेन से बहुत घूमे, चलते चलते फोटोग्राफी के लिए वगैरह बहुत घूमे, तो वही सड़कों पे आज हम जाएंगे जरा हमारे साधन से। हम लोग इसका साधन बोलते हैं। तो हमारे साधन से जाएंगे, ठीक है? और जो जो प्लेसेस हम लोग बचपन में घूमे थे, जैसे कि बूटगर है, कमला नेहरू पार्क जो बोलते हैं, बूटगर, हैंगिंग गार्डन, ये सब मम्मी पापा के साथ बचपन में घूमे थे। तो मैंने बोला अभी चल अभी है साधन तो एक चक्कर मार के आते हैं। तो घुमा कि नहीं बात वैसे? मैं घुमा ही नहीं है, मैंने वो देखा था माताड़ी सा बूट वगैरह, वो माताड़ी सा बूट बोलते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी तक मैं गया नहीं वहाँ पे अभी तक। अच्छा, तो देखते हैं वही रूट में अगर होगा तो जाएंगे, नहीं तो पहले हम लोग मरीन लाइन और गेटवे वो फिक्स है वहाँ पे जाएंगे। मलबार हिल में ही है दो तीन चीजें वो। हाँ। तो वहाँ पे जा तो जाते जाते जो भी मिलेगा ना नजदीक वहाँ से हम लोग विजिट करके जाएंगे। अभी चलो सफर शुरू करते हैं। बाय बाय। कैसा लग रहा है ये रास्ते पे गाड़ी चलाना? यहाँ पे पूरा सीएसटी स्टेशन। वाओ सीएसटी आ गए हम लोग कार से। कार से सीएसटी आए हैं। कैमरा गली इधर उधर जाते थे। वाओ यहाँ पे मैंने बहुत सेल्फी निकाली है। सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। मैं वो रमजान के टाइम पे आई थी पता है शूट करने के लिए यहाँ पे। अभी आपको यहाँ से तो हम लोग बाइक से भी नहीं आए ना कभी। नहीं बाइक से भी नहीं आए। हाँ ट्रेन में ही घूमे। एक्चुअली बाइक से इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरी जो बाइक है ना बहुत अच्छी है, ऐसे ये नहीं होगा। तूने ही वाट लगाई है उसकी। मैंने उसको बहुत गंदा घिसा है, मैंने उसकी बहुत वाट लगाई, तो इसीलिए मुझे डर लगता है किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकालने के लिए। तो इसलिए मैं कभी भी कहीं पे भी लेके नहीं गया उसको। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हो ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग्स, हेरिटेज, जूने बिल्डिंग्स। अब बांधकाम देखो यार इसका, ऐसा लग रहा है पहली बार मुंबई आए हैं क्या? अभी तक अच्छा, अभी तक है ना सिद्धेश, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि पहली बार मुंबई आ रहे हैं, सब नया नया लग रहा है। चल के आए, धूप में चले हम लोग ये रास्ते। हाँ ये रास्ते पे तो भाई कितना चले।
हुदात्मा चौक आपको आइडिया है कि नहीं हुदात्मा चौक के बारे में? उसकी स्टोरी नहीं पता है, स्टोरी बोल रहा है क्या? हाँ, तो स्टोरी नहीं पता है, एरिया पता है, ये हमारा फाउंटेन, ये है हुदात्मा चौक। क्योंकि पहले मुंबई को महाराष्ट्र में नहीं लिया जा रहा था। अच्छा, तो वो टाइम मुंबई को संयुक्त मतलब बोलते हैं ना, एक महाराष्ट्र के अंदर लाने के लिए बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो वो टाइम पे सरकार ने शूट आउट एट साइट वाला ऑर्डर दिया था। तो वो इसमें बहुत लोगों की जान गई, तो इसीलिए, और यहाँ पे ही प्रोटेस्ट चालू था वो। अच्छा, तो लोग ने उनकी प्राणा से बलिदान दिले थे, तो इसीलिए उसको वो चौक का नाम गिरा है, हुदात्मा चौक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने को, अपन मुंबई में रहते हैं पर अपने को पता ही नहीं रहता कि क्या स्टोरी है वो इसकी। तो ये हुदात्मा चौक की स्टोरी है, ठीक है। और इसमें एक बच्चे की भी जान गई। अच्छा, जो एक स्कूल में जा रहा था बच्चा, उसकी भी जान गई। अच्छा, तो उनके सब प्लेट्स पे नाम है वहाँ पे। कभी टाइम मिलेगा तो आप वहाँ पे देख लेना, जिनको ये स्टोरी पता नहीं है। ओके, और डिटेल में स्टोरी यूट्यूब कर लेना। तो यूट्यूब पे ही है, गजब बेइज्जती है। मतलब उसकी डिटेल में स्टोरी भी आप एक बार जान लेना। यो, उधर स्टारबक्स सामने जो नीला नीला दिख रहा है आपको, समुंदर की तरफ पहुंच गए। ये फाइव स्टार ही है अपना, ताज ही है, समझा? ताज के अराउंड घूम रहे हैं। ये पहुंच गए गेटवे। ये ताज देख, ये देखिए ताज, वाह। अजीब फील हो रहा है मेरे को तो। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पे, पर ऐसे मतलब ना टैक्सी में आई है या तो फिर बस में। ये फ्रेम भी फर्स्ट टाइम मिली है कार वाली। सिद्धेश गेटवे एंड कार। काफी दिन के बाद गेटवे के दर्शन हुए। रईस लग रहा है, रईस जैसे ऐसे लग रहा है, फाइव स्टार होटल में जाने वाला है अभी, राइट टर्न लेके। सिलेरियो लेके तो मिल जाऊंगा। इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करने का सिलेरियो को यार, कम ऑन। नाम खराब मत कर गाड़ी। तब तक मर्सिडीज आनी चाहिए, तुम्हारी कृपा होगी तो सब आएगा। ऐसा नहीं बोलने का यार, कम ऑन। तो दोस्तों फर्स्ट डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया है, थके आ रहे, रुक गए सैंडविच खाने के लिए। और यहाँ पे पार्किंग के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। संडे भी है, संडे भी है वैसे, और ये एरिया में रहते हैं। हाँ, जाम हुआ है पार्किंग, एक घंटे का 150-150 लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मरीन ड्राइव, कॉफी और सैंडविच का लुक लेते हुए। एरिया भी ऐसे, चाय भी कॉफी मिलती है। मोटिवेशन की जरूरत। बराबर है ना? नहीं जम रहा है। फिर बोलेगी फोटोग्राफी इज डिफरेंट थिंग, सेल्फीग्राफी इज डिफरेंट थिंग। एंगल नहीं समझ में आ रहा है, तो फोन से नहीं समझता है, कैमरा से समझता है। ये करेंगे फोटोग्राफी, सब चीज में यही लगा जाए, फोटोग्राफी।
जैसे इसमें तो एकदम तू मास्टर ही है ना, मास्टर ही फोटोग्राफी में मास्टर है। नहीं मास्टर नहीं है, मास्टर तो कभी कोई बनी नहीं। क्यों नहीं बन सकता ये गलत है, क्यों नहीं बन सकता? कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, कुछ ना कुछ बाकी रह नहीं जाता है बोलते, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। हाँ तो नया सीखने का हाँ तो लोगों मास्टर से ऊपर बोलता है, मास्टर मतलब क्या खत्म हो गया। जो नॉर्मल लोगों से ऊपर रहेंगे ना सीख के तो मास्टर ही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, सीखना नहीं है बस। तो अभी हम लोग ने पेट पूजा कर ली है और हम लोग हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो है मरीन ड्राइव। मेरे को वो ट्राई करना है रे एक बार, वो जो ओपन बस रहती है ना, वो गेटवे से मिलती है ओपन बस, पर संडे के टाइम पे बहुत रश रहता है, ओपन बसेस गेटवे की तरफ मिलता है, तो वीकडे पे कभी ट्राई करना चाहिए। वो ना गेटवे से लेके मुझे लगता है बांद्रा सीलिंग के आसपास में के लेके आता है, जाएंगे एक बार ओपन बस में। हाँ ओपन बस में जब ठंडी रहेगी तब अभी। और ओपन बस में यार कौन ट्राई करता है, मुंबई के लोग ही नहीं ट्राई करते। ऐसा कुछ नहीं है, सब ट्राई करते हैं। अरे वो फीलिंग अलग रहती है ओपन बस वाली, डबल डेकर ओपन बस। ऐसे जरूरी नहीं है मुंबई के बाहर वाले ही लोग यूज करते, मुंबई वाले भी करते, बड्डे बड्डे मनाते हैं उसपे। तेरा बड्डे आ रहा है, बड्डे में करेंगे क्या? तो बस बुक करेगी क्या? बस बुक करेगी। कितना कॉस्ट है बताए? ओपन बस का बुक करना, पूरा बस थोड़ी बुक करना है, दो सीट। ऐसे दो सीट नहीं चाहिए, पूरा बस, पूरा बस खरीदती हूँ, पूरा बस दो बड़ा होना चाहिए ना, डिले भी नहीं है रे। क्या नहीं? डिले भी नहीं है लोगों में। हाँ मेरे में नहीं है, मैं तो वहां से अपनी ये गई नहीं तो कैसे निकल, मेरे को दिखा ही नहीं, अभी दिख रहा है। इसकी लाइन में अभी FS है ना? नहीं रे कुछ भी बोलते वो साइड है FS, वो साइड में FS है। यहाँ पे लेफ्ट में कफ परेड है, सीधा सीधा मरीन ड्राइव है, और राइट में चर्च गेट है। कैसे पता मेरे को बोल? कैसे? ऊपर बोर्ड मारा था डायरेक्शन बोर्ड यही पैच में है सिद्धेश, आगे फिर पत्थरे लगे हुए, ये सिर्फ एक पैच बचा है जहाँ पे बैठने मिलता है, आगे पूरा वो रोड का काम चालू है। क्या बात है। बंदी है वही एक पैच है जहाँ पे भी बैठ सकते हैं। दिस इज गिरगांव चौपाटी, हम जा रहे हैं मलबार हिल, वहां पे कमला नेहरू पार्क दो हम लोग को देखने हैं। यहाँ पे सब बड़े बड़े गणपति का विसर्जन होता है।
माधारीसा बूट कैसे? हम लोग को बोलने की माधारीसा बूट चप्पल पहनती है। कौन सी माधारी है जी? बूट पे चप्पल घालते हैं। उल्ला बोली थी पर स्कूल का पिकनिक ही आता था यहाँ पे। माधारीसा बूट, माधारीसा बूट दिल्ली में देख रही हूं। और बचपन में तो मुझे आने के लिए नहीं मिला, तो अभी हम ये शौक पूरे कर रहे हैं। बचपन में ऐसी जगह पे आने का अट्रैक्शन ही अलग रहता था। मम्मी पापा आते थे, डब्बे में भाजी चपाती लेके आते थे, यहाँ पे चादर बिछा के बैठते थे, भाजी चपाती खाते थे। अच्छा, भाजी चपाती तो नहीं खाते थे, सूखा खाऊ खाते थे। मेरी मम्मी, हम लोग सूखा खाऊ भाजी चपाती, वटाने की भाजी रहती थी और पूरी रहती थी, हम लोग बैठ के खाते थे। लाइन लगा अंदर जाने के लिए भी। बच्चे लोग फोटोज निकाल रहे। 12 वर्षा खलील मुलांग करता। वो पूरा मरीन ड्राइव का पट्टा है। क्वीन नेकलेस वहां से तो आए। अब बसून फोटो काढण्यास मनाई आहे आणि लोक चढली आहे तिथे रे। ऍक्च्युली बसायला मनाई आहे ना, उभे आहेत सगळे। ओके, तो सब मछली आहे इसमें, आपको दिख रही है? अभी किधर जाएंगे? अभी जाएंगे दादर, नरेबा। अभी शांतवनी बस में आ रहे हैं। शांतवनी बस में से आ रहे हैं। कारण माझे LL44 लागलेले आहे। क्या LL44 म्हणजे? काय कमेंट मध्ये लिहा तुम्ही, सगळ्यांना माहिती आहे मुलांना LL44 म्हणजे काय? कमेंट मध्ये नका लिहू, माझ्या आई पण बसते कमेंट। LL44 म्हणजे लिपसिंग, तुम्ही लिपसिंग मध्ये फिरा चौवाळीस नाही चौवाळीस समजा ये सबसे फालतू जो होता ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चल हट। आज हम लोग ने क्या क्या किया? क्या क्या किया? आज हम लोग ने सुबह सुबह गाड़ी वॉश किया, फिर जिम गए, फिर उसके बाद विशाखा को मिले, फिर मैंने बोला था जैसे विशाखा का मूड फ्रेश करेंगे वैसे उसका मूड फ्रेश किया। हम लोग फिर गए गेटवे ऑफ इंडिया फर्स्ट, उसके बाद हम लोग गए मरीन ड्राइव, फिर गए हम लोग माधारीसा बूट बूटघर बगैला, और फिर हम लोग आए अभी दादर, और फिर हम लोग थक गए और हम लोग आए नारई बाग में बैठे। और हाँ, नारई बाग का अपन ने वीडियो नहीं निकाला ना। हाँ, क्योंकि सुबह से इतना ट्रैवलिंग हो गया ना कि हम लोग लिटरली थक गए, ग्रस्त पस्त तस्त झालो आम्ही लोक आता। चल
काही नाही असेच व्हिडिओ बघत राहा, स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि आम्ही सारे गौरी ऐसे ही हम लोग के वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट के वीडियो में देखा ही नहीं आपने? हाँ, लास्ट वीडियो देखा ही नहीं यार, वीडियो देखो यार, देखो यार, और सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो प्लीज। गुड नाइट, बाय बाय।